आकांक्षा सिंह, ठीक है। आपके खुद के जन्म पत्र में गज के श्री राजयोग बृहस्पति और चंद्रमा एक दूसरे को आमने सामने देख रहे हैं। शुक्र लग्न में केतु के साथ बैठा हुआ है, केतु के साथ है ये बुरा है। शुक्र लक्ष्मी का कारक होता है और मकर लग्न के अंदर राजयोग कारक होता है। तो आपकी खुद की जन्म पत्र जो है वो महालक्ष्मी राजयोग कारक है, ठीक। जमीन जायदाद बेचनी पड़ेगी या बिक रही है, कारण क्या है? मंगल और शनि एक साथ हैं, वो कहाँ पर हैं? भाग्य स्थान में। तो जीवन में हमेशा संघर्ष है, तो पति जो नुकसान कर रहे हैं या उनके थ्रू जो नुकसान हो रहा है तुम्हारे जीजा का, इनको बागडोर अपने हाथ में ले लेनी चाहिए, ठीक है। अगर बागडोर अपने हाथ में ले लेंगी तो जो मैंने समय लिखा है 2025-27 तक का, 2027 तक ये मंगल की दशा है, ये ठीक हो जाएगी। लेकिन उपाय करवाने पड़ेंगे और उपाय के अंदर खर्चे होंगे, अगर नहीं करेंगे तो करोड़ों के डेप्ट में और आगे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर सी बात, करवाने बहुत जरूरी। मंगल शनि जहाँ जहाँ पर मैंने लिखा है वहाँ वहाँ पर बोला था कोरोना के टाइम पे आतंकवादी घटनाएं होंगी, प्राकृतिक आपदा आएगी। मंगल शनि का मतलब होता है युद्ध। मंगल शनि पुतिन के जन्म पत्र में भी है, 12वें स्थान में बैठे, ठीक है। तो जिन जिन के जन्म पत्र में मंगल शनि, उनके जीवन में हमेशा युद्ध रहता है, संघर्ष रहता है, कठिनाई रहती है।